मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान चल रहा है, चुनाव प्रचार शांतिपूर्वक रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव से एक रात पहले जो कुछ भी हुआ उसे सुन करके किसी का भी कलेजा दहल जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विक्रम सिंह नाती राजा। उन्हें खबर मिली कि बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया के समर्थक शराब बांट रहे, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा वो अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर बीजेपी आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उनके एक समर्थक पार्षद सलमान खान पर चढ़ा दी गाड़ी जिसमें चली गई उनकी जान। इसके बाद तो मच गया हाहाकार। सुनिए कांग्रेस के जो विधायक हैं और प्रत्याशी हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र से, वो रो रो करके क्या बता रहे हैं। घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न ऑन बजाया, इतने में उनकी गाड़ियां आ गई। तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को, कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियाँ। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी, वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारे को वोट ना दे। सुना आपने, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, निर्दलीय हो, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जब कोई अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए कानून बना है। यदि शराब बांटने की घटना की सूचना मिली थी और कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे तो बहस तक तो ठीक है, उसके बाद जो कुछ भी हिंसा हुई वो ठीक नहीं है। कांग्रेस के विधायक नाती राजा आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ करके कुचल करके मारा गया सलमान खान को, यदि वो गाड़ी में नहीं बैठे होते तो उनकी भी चली जाती जान। अस्पताल ले जाया गया, बचाने की कोशिश हुई, जान नहीं बच पाई। कांग्रेस के विधायक बता रहे हैं कि किससे कहें, किसको सुनाएं, ये सरकार तो सुनती नहीं है। कांग्रेस के वो विधायक हैं, इसका क्या मतलब कि उनके साथ यदि कोई घटना होगी तो कार्रवाई नहीं होगी। सवाल बहुत बड़ा है। एक बात और जानने लायक है कि चुनाव के दौरान जो पुलिस प्रशासन होता है वो सीधे चुनाव आयोग के नियंत्रण में आ जाता है, प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। आखिरकार जब इतनी बड़ी घटना हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप देखते हैं कि विधायक ने जो व्यथा सुनाई है उसके बाद पुलिस प्रशासन उसको संज्ञान में लेता है और एक्शन करता है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।